हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। जैसे कि जून की शुरुआत हो चुकी है और आज 8 जून है और आने वाला मौसम रेनी सीज़न है। 15 जून के बाद से मॉनसून सीज़न मान लिया जाता है, क्योंकि लगभग मिड जून में या जून एंड तक एक बारिश ज़रूर हो जाती है सीज़न की, और तभी से शुरुआत हो जाती है रेनी सीज़न की। और फिर जुलाई अगस्त तो पूरा रेनी सीज़न है ही, उसमें आप किसी भी प्लांट की कटिंग या एयर लेयरिंग ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, क्योंकि मौसम में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, और वही कटिंग की ग्रोथ के लिए या एयर लेयरिंग में रूट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये रेड एक्लिफा है, जो कि हमने आपसे शेयर भी किया था। तो इसको बुशी बनाने के लिए हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और उनसे ये 3 कटिंग्स हमें मिली थी। और ये एक पॉली बैग में हमने मिट्टी भरकर और ये कटिंग्स ग्रो की थी। लगभग 15 दिन हो चुके होंगे, 15 से 20 दिन हो चुके होंगे, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ कटिंग्स में स्टार्ट हो चुकी है। 2 कटिंग्स में अच्छी ग्रोथ है और जो 3rd कटिंग है वो भी ग्रोथ कर रही है। उसमें न्यू शूट्स काफ़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन वो ग्रीन है और जल्दी ही ये भी ग्रोथ कर लेगी। एक्लिफा कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो ये 3 प्लांट्स हमारे और तैयार हो गए हैं, और देखिए हल्का सा स्क्रैच करके भी आपसे दिखा देते हैं कि ये ग्रीन है कटिंग। लेकिन आप कभी भी अगर कटिंग्स ग्रो करते हैं तो उनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो कटिंग डिस्टर्ब होगी और फिर हो सकता है थोड़ा सेंसिटिव प्लांट हो, सेंसिटिव कटिंग हो, तो फिर वो ग्रोथ नहीं करेगी। तो ये काम आप नहीं कीजिएगा। हम केवल आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि ये 3rd कटिंग भी हमारे ग्रीन है और इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी प्लांट की कटिंग ग्रो करनी है तो उसकी तैयारी आप कर लीजिए, और आने वाले मौसम में आपको उनका प्लांट बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ही ये हिबिस्कस की एक कटिंग है, जो कि बंदरों ने एक टहनी तोड़ दी थी, तो उसको हमने उसकी लीव्स हटाकर ऐसे ही एक ग्रो बैग में लगा दिया था बिना किसी खास देखभाल के, और इसको पानी मिलता रहा। और देखिए इसमें भी न्यू शूट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो अभी से आप कटिंग्स ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। कटिंग्स ग्रो करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर हाई है और बहुत ज़्यादा आपके यहाँ गर्मी है तो कटिंग्स को ग्रो करने के बाद ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर उसको तेज़ धूप ना लगे, यानी कि सेमी शेड हो। हल्की फुल्की अगर धूप आ जाती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत तेज़ धूप कटिंग्स पर नहीं होनी चाहिए, और सॉइल में हल्की नमी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन हल्की नमी बनाकर रखनी है, जो कि आप स्प्रे बॉटल से उसमें हल्की नमी बनाकर रख सकते हैं। और एक बात, जब सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेशल सॉइल मिक्सचर तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी फर्टिलाइज़र है, मिक्स कर दीजिए। उसमें आप कटिंग ग्रो करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पॉली बैग में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे ड्रेनेज होल कर दीजिए, जिससे क्या होगा, एक्सेस वाटर जो होगा, एक्स्ट्रा वाटर जो होगा, वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आने वाले मौसम में आप ज़्यादातर किसी भी प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, जिसमें फ्रूटिंग प्लांट भी और फ्लावरिंग प्लांट भी हो सकता है, या कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट की कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे ड्रेसीना है या मनी प्लांट, तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और जैसे फ्लावरिंग प्लांट हिबिस्कस है, मोगरा है, जैस्मिन है, या फिर ओलियंडर, बहुत आसानी से 15 दिन में आप ग्रो कर सकते हैं। हरश्रृंगार यानी पारिजात को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रूटिंग प्लांट में लेमन है या फिर शहतूत, बहुत से व्यूअर्स कहते हैं ग्रो करना, वो आप ग्रो कर सकते हैं। और अंजीर यानी फिग प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। इसके अलावा अगर आपको कोई प्लांट पूछना है कि हम कटिंग से वो प्लांट ग्रो कर सकते हैं या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमसे पूछ सकते हैं। और आप कौन से प्लांट की कटिंग हमसे ग्रो करना देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइए। अगर उस प्लांट की कटिंग हमारे पास होगी तो हम ग्रो करना ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। प्लूमेरिया की कटिंग भी आप ज़रूर ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स इस पर भी मिलते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी में हल्की नमी बनाकर रखनी है, और जिस भी पॉट में आप ग्रो कर रहे हैं, वैसे तो प्लास्टिक पॉट में ग्रो ना करें, आप पॉली बैग में या मिट्टी के किसी पॉट में ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। प्लास्टिक के पॉट में नमी लगातार बनी रहती है, उससे कटिंग्स में रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गलने लगती है कटिंग ओवर वाटरिंग से। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, या तो पॉली बैग में ग्रो करना है बहुत सारे ड्रेनेज होल करके, और या फिर मिट्टी के किसी पॉट में ग्रो कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या फिर किसी भी पॉट में अगर आप दूसरे प्लांट्स के साथ ग्रो कर देते हैं तो उसमें भी उसमें ज्यादा केयर नहीं करनी होती है, वो अपने आप ग्रो हो जाती है। आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।